हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हुताओ का बैनर रिवील हो गया। आई डोंट नो ये बाय मिस्टेक हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ, मगर होयोवर्स ने पहली बार फेस वन के बाद फेस टू के बैनर रिवील कर दिए। सो इट्स अ रियली बिग न्यूज। और इसमें जो फाइव स्टार है उसके बारे में तो हमें पहले से पता था, बट फोर स्टार्स रिवील हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मैं बैनर देख रहा हूँ ये सबसे ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसमें शिनचू है और बीडो है, और बीडो और शिनचू की कॉन्स्टेलेशन बहुत ज्यादा ब्रोकन है। प्लस उसके साथ साथ निंगवांग है, उसको बहुत लोग एज अ मेन डीपीएस अर्ली स्टेज मिड स्टेज में इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये बैनर बिल्कुल अमेजिंग है फोर स्टार में देखा जाए तो। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द होल बैनर एंड धीरे धीरे करके मैं चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले शिनचू की, तो वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रो यूनिट फोर स्टार में, और इसके कॉन्स्टेलेशन इसको और भी इंप्रूव करते हैं। तो ये मस्ट मस्ट करेक्टर है, अगर आपके पास एक भी कॉपी नहीं है तो आप इसकी एक कॉपी निकाल सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है तो वहां से भी एक आप एक कॉपी निकाल सकते हो। उसके बाद कॉन्स्टेलेशन के लिए ट्राई कर सकते हो बैनर पे, अगर आप हुताओ के लिए जा रहे हो तो। सेम चीज मैं बोलूंगा बीडो के लिए भी, अगर आपके पास बीडो के कॉन्स्टेलेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप निकाल सकते हो। सो बीडो का लास्ट कॉन्स्टेलेशन और सेकंड लास्ट कॉन्स्टेलेशन अमेजिंग है, उसी के साथ साथ बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन काफी अच्छे है। सो बीडो भी बिल्कुल वैसी है कैटेगरी में जैसे शिनचू में, मगर बीडो एज अ मेन डैमेज डीलर माने जाती है अर्ली स्टेज में, और इसका जो काउंटर है वो भी अमेजिंग है। सो ये भी बहुत बढ़िया करेक्टर है, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी, मैंने अर्ली स्टेज में से इस्तेमाल किया था और बहुत बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला था। तो या ये बहुत अच्छा बैनर है, और एक फाइव स्टार डीपीएस के साथ फोर स्टार भी है जो कि काफ़ी डिसेंट है। और रही बात निंगवांग की, तो निंगवांग थोड़ी स्लो है, इसके अटैक्स थोड़े से स्लो है, रैंडम है, बट इसके डैमेज काफ़ी अच्छा है जब ये C6 बिल्ड हो जाती है तो, C6 पे बिल्ड हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छा डैमेज देती है AOE। उसी के साथ साथ निंगवांग को आप टीम कॉप्स भी रख सकते हो, जहाँ पे आपको जनरली जहाँ पे आपको फोर्स किया जाता है कि जियो एलिमेंट को के लिए, जहाँ पे आपको फोर्स किया जाता है जियो एलिमेंट के लिए, अभी राइट नाउ बेस के अंदर फोर्स किया जा रहा है, तो उस केस के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बिल्ड कर रखा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर आपको अगर आपने पहले से बिल्ड नहीं कर रखा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप निंगवांग पे इन्वेस्ट ना करना। तो ये बात थी फोर स्टार की। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द येलन बैनर। तो ये सबसे बढ़िया बैनर है बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रो मिल रहे हैं। अगर आप शाओ के लिए, एल हेतम के लिए, हुताओ के लिए नहीं जा रहे हो और येलान के लिए जा रहे हो, तो ये बैनर आपके लिए विन विन बैनर है, बिकॉज यहाँ पे डबल हाइड्रो मिल रहा है आपको और दोनों ही ब्रोकन है। शिनचू को कॉन्स्टेलेशन तो मिल ही सकते हैं, प्लस येलान भी मिलेगी क्योंकि आप उसी के लिए पुल कर रहे हो, तो ये पूरे पूरे चांसेस है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे बेटर शायद ही होयोवर्स वाले दे सकते थे और अच्छा, मगर ये बहुत अच्छा बैनर दिया है। मैं बोलूंगा अगर आप येलान के लिए जा रहे हो तो दिस बैनर इज रियली गुड, और हुताओ के लिए जा रहे हो तो हुताओ के लिए भी फिर भी ठीक है। बट मैं इसी बैनर को कंपेयर करूं अबाउट एलतम बैनर और शाओ बैनर, सो बहुत बहुत बुरा है। ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आया, शिनयान क्यों डाला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इस कंपेयर करूँ इस वाले बैनर को हुताओ के बैनर पे, तो ये वाला बैनर ज्यादा अजीब है क्योंकि यहाँ पे शिनयान है, मेरे ख्याल से यहाँ पे शेंगलिंग होनी चाहिए थी, तो ये भी बहुत अच्छा होता बैनर, और वो भी बैनर बहुत अच्छा था क्योंकि शेंगलिंग के कॉन्स्टेलेशन भी लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है और वो भी इजीली नहीं मिलती, वो ज्यादा बढ़िया रहता। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर आप लोगों को पुल नहीं करना, पिटी क्रिएट करनी है दिया के लिए, तो ये बैनर काफी अच्छा है, आप इस पे पिटी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पिटी क्रिएट नहीं कर रखी, पिटी क्रिएट का मतलब क्या होता है उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। पिटी क्रिएट का मतलब ये होता है कि आपके पास विशेज है मगर आपने थोड़े बहुत भी विश नहीं कर रखे फोर स्टार कॉन्स्टेलेशन के लिए, क्योंकि आपको जो मोस्टली फाइव स्टार मिलता है वो 70+ मिलता है ना, तो इसलिए थोड़े बहुत पुल्स करके चेक कर लो, 30-35-40 हद मार के जितने तुम्हें ठीक लगे उतने पुल्स करके तुम कॉन्स्टेलेशन निकाल सकते हो शिनचू के, बीडो के अगर तुम्हें चाहिए, या निंगवांग के, ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो ताकि वो फोर स्टार तुम्हारे इंप्रूव हो जाए और इसी बहाने तुम्हारी पिटी भी बन जाएगी, नेक्स्ट बैनर पर तुम्हें कम पुल करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये तरीका होता है पिटी इसे बोलते, तो ये कर सकते हो तुम इस बैनर पर 100% कर सकते हो। बात करूँ एलतम और शाओ की, तो अगर तुम इस करेक्ट इनमें से किसी बैनर पर सोच रहे हो पिटी क्रिएट करने की, तो आई एम रियली सॉरी बट ये बैनर अब नहीं रहा इतना बढ़िया जितना वो बढ़िया है, तो ये बैनर इतना बढ़िया नहीं है। अगर तुम्हें यूनजिन के कॉन्स्टेलेशन चाहिए तो तुम ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसमें, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। बट तुम अगर तुम्हें यूनजिन का सिर्फ एक कॉन्स्टेलेशन चाहिए, तुम चाइनीज न्यू ईयर इवेंट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर याओयाओ निकाल सकते हो अगर तुम्हें यूनजिन नहीं चाहिए, तो अगर याओयाओ कॉपी चाहिए तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। बात करूँ पिटी बिल्ड की, तो ये वाला बैनर फिर मेरी नज़र में है नो। एंड अगर आपको पर्टिकुलर फाइव स्टार चाहिए शाओ या एलतम, देन गो फॉर इट। अगर आपके पास शाओ की टीम और वेपन है तो आई गारंटीड कि शाओ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जब से फरूजन आई है तब से इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ये आप बेफिक्र होकर जा सकते हो अगर आपके पास जोंगली है या फिर फरूजन है या फिर इसका वेपन है, बाद में आप टीम बिल्ड करना चाहते हो तो बाद में कर लेना, जा सकते हो। एलतम के बारे में मैं बस ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें जाके देख सकते हो उसके बारे में मेरा क्या थॉट है, बाकी ये रिलीज होगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं। बात करूँ हुताओ और शाओ की, शाओ और हुताओ में से कौन सा बढ़िया रहेगा, मैं बोलूँगा शाओ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो मैं तुम्हें आप बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शाओ के में ऐसा बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि मुझे कॉन्स्टेलेशन की ज़रूरत है,
ठीक है, थोड़ा बहुत काम करना होता है उसकी टीम कॉम्स के लिए और उसके वेपन्स के लिए, वो तो आपको हुताओ के साथ भी करना पड़ेगा। बट हुताओ का सीवन आपको कभी कभार ऐसा रियलाइज होगा कि काश मेरे पास सीवन होता तो हुताओ का थोड़ा सा और प्ले स्टाइल ईजी हो जाता मेरे लिए। तो ये आप फेस कर सकते हैं इशू, मगर आपको शाओ के साथ करने की नहीं मिलेगी ये चीज़। अगर आपको डिस्क्राइब करना है और लिमिटेशन पूछनी है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, सीवन हुताओ इम्प्रूव द प्ले स्टाइल एंड शाओ को जरूरत नहीं है, और स्टाफ ऑफ होमा इम्प्रूव द डैमेज ओवरऑल, वो एक अकाउंट इंप्रूवमेंट के लिए होता है स्टाफ ऑफ होमा, ठीक है। तो वो इसका वेपन तो वो डिसाइड कर सकते हो, और इवन यू कैन यूज स्टाफ ऑफ होमा ऑन योर शाओ ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से शाओ ज्यादा बड़े ऑप्शन रहेगा, बट अगर आप हुताओ को लिए वेट कर रहे हो, आपको पायरो डीपीएस चाहिए, बड़े नंबर्स चाहिए, तो वो हुताओ दे सकती है, क्योंकि शाओ के कंपेरिजन में हुताओ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और डबल हाइड्रो आ रहा है, अगर आप डबल हाइड्रो ये लान भी निकाल रहे हो, शिंची निकाल रहे हो, तो हुताओ और भी अच्छी काम करेगी उनके साथ, तो वो शाओ के साथ काम नहीं कर सकते, बट आप करवा लाइक हुताओ के साथ काम करवा सकते हो। तो ये चीज़ का फायदा है। यही बात ये लान की, तो मैं ये बैनर उनको सजेस्ट करूंगा जिनके पास शाओ की टीम नहीं है, वेपन नहीं है, या हुताओ में इंटरेस्टेड नहीं है, या एलएथएम में, तो ये निकाल सकते हैं तुम। तो इसके साथ बहुत कुछ टीम को हम इस्तेमाल कर सकते हो, ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये पुल कर लो, बिलीव मी, बस और कुछ नहीं बोलने वाला मैं, ये बहुत अच्छी हेल्प करेगी। और इसके कॉन्स्टेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना नहीं मिले कोई बात नहीं, सी जीरो में अमेजिंग है, फाइव स्टार वेपन की भी जरूरत नहीं है। बात करूं वेपन बैनर की, तो इस केस में भी वेपन बैनर जो हुताओ और येलान का है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू शाओ बैनर। जैसे कि तुम देख सकते हो इसमें फाइव स्टार तो है ही अच्छे, तो उस बारे में तो मैं बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही फाइव स्टार बहुत अमेजिंग है, क्रिट डैमेज पे स्केल करते हैं, और उसका पैसिव दोनों का अच्छा है, यूनिवर्सल है, इस्तेमाल हो सकता है। मगर थोड़ा सा जो एक्वा सिमुलोक्रिया है उसका थोड़ा सा पैसे थोड़ा वीक लगता है मुझे, क्योंकि इसमें अटैक परसेंट वगैरह कुछ खास मिलता नहीं है, बट स्टाफ ऑफ होमा इज रियली अमेजिंग। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बस ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में से कुछ भी मिल जाए बढ़िया है। दोनों वेपन आपको स्टैंडर्ड बैनर पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और ना ही वेपन बैनर पर अवेलेबल मिलेंगे, ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करता हूँ जिस वजह से ये बैनर ज़्यादा ओपी है एज़ कम्पेयर टू शाओ बैनर और एलएथम, क्योंकि इसमें फोर स्टार ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें रस्ट वन ऑफ द बेस्ट, बो वन ऑफ द बेस्ट वो एज अ गाचा, क्योंकि आप चाइल्ड पे इस्तेमाल कर सकते हो, यूएमए पे इस्तेमाल कर सकते हो, और भी सारे करेक्टर्स हैं जिन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट वो जो आप रस्ट निकाल सकते हो। फिर फवोनियस की बात करते हैं, अर्ली स्टेज और मिड स्टेज में एनर्जी के बहुत ज़्यादा इशू प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, तो फवोनियस इज द बेस्ट स्वॉर्ड अर्ली स्टेज के लिए, मिड स्टेज के लिए, और कभी कभार एंड गेम में भी जरूरत पड़ती है। सो ये यूनिवर्सल वेपन है, फोर स्टार एनर्जी के बेस के ऊपर, बहुत बढ़िया। ड्रैगन्स बेन की बात करूँ तो हुताओ लवर्स के लिए एक, और यहाँ पे एक और फायदा है, और शेंगलिंग वालों के लिए भी, और इवन जिन लोगों ने रेडन को अपनी हाइपर ब्लूम के लिए बिल्ड किया उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि ड्रैगन्स बेन में ज़्यादा मिलता है ईएम, प्लस उसके साथ इसका पैसिव भी काफ़ी डिसेंट है, एंड इसके रिफाइनमेंट्स इसको और बेटर करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं फवोनियस कोडेक्स की, तो एनर्जी रिचार्ज मिलता है इस बुक में, जो कि आप अपनी मोना को दे सकते हो या किसी और करेक्टर्स पर दे सकते हो, जिससे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करवानी है और आपको उसकी अल्टी यूज़ करनी है बस रोटेशन के लिए, तो ये भी बढ़िया। लिथिक ब्लेड भी अच्छा है, बट ये क्लेमोर यूजर्स के लिए ही होता है, एंड जैसे कि लिथिक स्पेयर में रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती है, सिर्फ लियू हार्बर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, चोंगिंग चाओ चोंगिंग पे इस्तेमाल कर सकते हो आप, चोंगिंग यूजर को दे सकते हो, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर ब्रीडो को दे सकते हो। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, मगर ये ब्लेड इतना अच्छा नहीं है जितना ऑलरेडी F2P में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं एनर्जी रिचार्ज को लेकर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर भी बस एक क्लेमोर को छोड़ के जो ओके ओके टाइप का है, बाकी तीनों वेपन बहुत अमेजिंग है, एंड फाइव स्टार तो है ही ओपी। मैं कंपैरिजन करूं इस बैनर को, तो फाइव स्टार जो है प्रिमोडल जेड स्पेयर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है लूज में स्टैंडर्ड बैनर पे और वेपन बैनर पे चाओ का वेपन, तो ये एक तरीके से लिमिटेड नहीं है वेपन। बात करूँ एलएथम का, तो ये है, इसके लिए ट्राई कर सकते हो आप, बट इसमें रिस्क अभी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो फोर स्टार है एज कम्पेयर टू हुताओ बैनर इसमें बकवास है, फ्लूट बकवास है, लिथिक स्पेयर वही बोला था ओके ओके, और ड्रेन स्लैशर ना, सिर्फ और सिर्फ विस्तृत और फवोनियस बुक बस, इसके रिफाइनमेंट्स इसको और बेटर करते हैं, तो ये फर्क है। ये बैनर उस बैनर को, शाओ के बैनर को, वेपन बैनर को ज़्यादा बीट कर रहा है, एंड ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लाइक हमें आउटकम दे रहा है F2P लवर्स को, F2P प्लेयर्स को। सो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मेरे ख्याल से इजी स्किप होने वाला है एलएथम, एंड शाओ की तो बैंड बच गई है, क्योंकि ये वेपन बैनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बट अगर तुम शाओ लवर्स हो तो ऑफ कोर्स तुम बोला यू गोना पुल नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैंने भी यही किया था और तुम भी यही करोगे मुझे पता है। सो या अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ कि दिया आने वाली है, तो मे बी यू कैन स्किप होता हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी होने वाली है, एंड मैंने सुना है ये ऑफ फील्ड काम करती है और इसका पायरो एप्लीकेशन होने वाला है। अब ये नहीं पता कितना एसिडी होगा, क्या नहीं होगा और क्या सीन है इसका, बट ये मेरे ख्याल से ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड दोनों काम कर सकती है, जस्ट लाइक आया तो मे बी, बट या मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, और आई एम गोना डेफिनेटली पुल, मैंने डिसाइड कर लिया अभी से ही कि मैं इसको पुल करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें
कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, हूताओं से बोर हो चुके हो या फिर तुम्हारे पास ऑलरेडी हूताओ है और तुम सीवन निकालने की सोच रहे हो, मैं बोलूंगा कि मत निकालो, इसके लिए ट्राई कर लो, कुछ नया मिलेगा। वरना तुम्हें लगता है कि नहीं भाई सीवन चाहिए चाहिए, तो फिर सीवन कर लेना उसको, ठीक है। क्लेमोर यूजर है 100% गारंटी कन्फर्म हो चुका है कि ये क्लेमोर यूजर ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें कट सीन में दिखा चुके हैं कि ये क्लेमोर ही इस्तेमाल करती है। अब बात करते हैं मीका की, तो मीका आने वाला है। सो ये फर्स्ट क्रायो कैटलिस्ट यूजर होने वाला है आफ्टर हिजू के बाद, ये लड़का है ना, लड़का ही है मेरे ख्याल से, तुम बताना कमेंट सेक्शन में लड़का है कि लड़की, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये लड़का होने वाला है, फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा, सेकंड बोलूंगा, क्योंकि पहले हिजो आया था, अब एक और आ रहा है मीका, वो भी क्रायो में, तो मैं भी इसको भी लेके काफी इंटरेस्टेड हूँ। और ये 4 स्टार होने वाला है, एटलीस्ट में कोई था ही नहीं तो अब जाके आने वाला है, और बाकी सब सेक्शन में भी बहुत कम है, मगर बू में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन। तो मीका का वेट कर रहा हूँ मैं, इसको भी लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो देखते हैं ये मीका कैसा होगा और इसको ट्राई करेंगे। अगर अच्छा सपोर्ट हुआ फरूजन की तरह या फिर गुरो की तरह, तो मे भी हमें शैने की जरूरत ना पड़े, बजट प्लेयर्स वालों को शैने की जरूरत ना पड़े, मीका से काम चल रहा है। तो देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं, बफर है कि अटैकर है उसके बारे में कुछ पता नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें पता है, तो मैंने तुम्हें बता दी कि कैटलिस्ट यूजर और क्रायो यूजर है। सो या दैट्स इट। तो ये भी 3.5 में आने वाला है, और मे भी ख्याल से ये दिया के बैनर पे ही आएगा, क्योंकि उसी के साथ रिवील किया है इन लोगों ने, तो यही होगा पैटर्न। बाकी मैं बात करूँ कि होयोवर्स ने जो एक करा है ओवरऑल, ये चीज़ जो किया है बहुत बुरा किया है मेरी नज़र में देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है उन प्लेयर्स के लिए जो लोग अर्ली है और जो मिड है, क्योंकि वो लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड दे गोना हेल्प अ लॉट टू डिसाइड कि वट इज़ बेटर और वट इज़ नॉट। सो ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, हम जो एंड गेम प्लेयर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें तो पता चल गया, सो फाइनली वी कैन डिसाइड ईजिली। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज इतने हैं तो हम कर सकते हैं, मगर उनके, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं, और फिर वो उनको ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताता है, उनको रिकमेंड करता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना कि तुम्हें ये अच्छा लगा, ये प्रोसीजर जो इन्होंने नया फॉलो किया, ये पॉलिसी इनकी अच्छी है या फिर बुरी लगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।